दोस्तों आपने रामानंद सागर की रामायण तो देखी होगी जो 1987 में रिलीज हुई थी और आज तक टेलीविजन पर टेलीकास्ट होती है और ये इतनी सुपरहिट हुई थी कि लोग इनके कैरेक्टर्स को असली भगवान मानने लगे थे। उसके बाद रामायण पे बहुत सारी सीरियल्स और मूवीज बनाई गई और हाल ही में रामायण बेस्ड एक मूवी आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ है जिसमें भगवान श्री राम के असली स्वरूप को ही बदल दिया गया है। हनुमान जी को बिना गदा के दिखाया गया है और रावण को किसी कॉलेज बॉय की तरह एक फैंसी हेयर कट में। बता दे कि ये एक एनिमेटेड मूवी है और इसका बजट है 500 करोड़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1993 में भी एक एनिमेटेड रामायण मूवी बनाई गई थी, वो भी जापान में। इसका नाम था दी लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। इसे 3 लैंग्वेजेस में बनाया गया था, हिंदी, इंग्लिश और जापानीज। और इसके डायरेक्टर थे युगो साको। बात यह है कि युगो साको एक बार इंडिया आए थे और वो रामायण से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने एक रामायण के ऊपर मूवी बनाने की सोची, जिसके बाद इंडियन और जापानीज गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये मूवी बनाई गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी की IMDb रेटिंग है 9.1। 1993 में इस मूवी का बजट था 800 मिलियन जापानीज येन, जो कि इंडियन रुपीज से बनते हैं 46 करोड़ रुपए, और इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आज के डेट में इसकी वैल्यू बनती है 335 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल।